दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मोबाइल बैंकिंग का एम पिन भूल गए हैं तो आप लोग कैसे उसको न्यू एम पिन सेट कर सकते हैं जिससे कि आप लोग उज्जीवन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकें। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोग उज्जीवन बैंक की मोबाइल बैंकिंग की एम पिन भूल गए हैं तो आप लोग कैसे उसको फॉरगेट कर सकेंगे, रीसेट कर सकेंगे जिससे कि आप लोग न्यू एम पिन बना सकें। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो इसको लॉग इन करने के लिए कस्टमर आई डी पूछा जाता है और 4 डिजिट की एम पिन। तो कस्टमर आई डी आप लोग अपने पासबुक पर देख सकते हो या फिर आप लोग चाहें तो इस चैनल पर जाके देख सकते हो जिसमें मैं आप लोगों को दिखाया हूँ कि आप लोग SMS करके अपनी कस्टमर आई डी पता कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पर 4 डिजिट पिन भी मांगी जाती है जो कि अगर आप लोग एम पिन भूल गए हैं सो आप लोगों को एम पिन फॉरगेट करने के लिए, न्यू एम पिन बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगोट एम पिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपनी कस्टमर आई डी पुट कर लेना है। कस्टमर आई डी आप लोगों को पुट कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर नीचे पुट कर लेना है और यहाँ पर टर्म कंडीशन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है सो आप लोगों को अपने मैसेज के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक OTP आया हुआ है तो यही OTP आप लोगों को वहाँ पर फिल कर लेना है। जैसा कि ये OTP आया है 241-011 तो ये सिंपल आप लोगों को यही OTP सिंपल आप लोगों को यहां पर कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग यहां पर पुट करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर न्यू एमपिन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ ऑथेंटिकेशन करना होगा सो आप लोग यहां पर 3 मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है सो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड है तो आप लोग डेबिट कार्ड की डिटेल से वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पर सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप लोग कुछ सेट किए हैं तो वो आंसर आप लोगों को यहाँ पर फिल करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आधार OTP आप लोगों को इससे करने के लिए आप लोगों का यहाँ पर अपना 8 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रोसीड बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, लिंक है, उस पर एक OTP सेंड किया जाता है सो आप लोगों को यहाँ पर OTP फिल कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप लोग इस पेज पर आ गए, यहाँ पर आप लोगों को अपना न्यू एम पिन सेट करने के लिए आ चुका है सो आप लोग यहाँ पर जो भी अपना 4 डिजिट का एम पिन सेट करना चाहें वो आप लोग यहाँ पर अपनी एम पिन पुट कर सकते हो और वही एम पिन आप लोगों को फिर से यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए वही फिर से टाइप कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि लिख कर आ चुका है एम पिन चेंज सक्सेसफुली, बताया जा रहा है कि आप लोगों का न्यू एम पिन बन चुका है। प्रीवियस एम पिन जो आप लोग भूल चुके थे वो अब हट चुका है, अब आप लोग न्यू पिन से लॉग इन कर पाएंगे। तो यहां पर हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना कस्टमर आई डी पुट करेंगे। इसके बाद आप लोग जो 4 डिजिट की एम पिन अभी बनाए हुए थे जो आप लोग भूल चुके थे सो आप लोग जो न्यू एम पिन बनाए हो आप लोगों को यहाँ पर पुट कर लेना है और इसके बाद आप लोगों का ये एप्लीकेशन लॉग इन हो जाएगा, आप लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एम पिन भूल जाते हैं सो आप लोग ऐसे रीसेट कर सकते हो, न्यू एम पिन बना सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।